నమో రిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆర్యాణం, నమో ఉజ్జాయణం, నమో లోయే త్రికాళవర్తి సవసాహు. మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గడి, మంగళం కుంద కుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం. సర్వమంగళ్య మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రదానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం. ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన, కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. నమః సమైసారాయ స్వానుభూత్యాచకాసతే స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరక్షితే. అజ్ఞానతిమీరాంధానాం జ్ఞానజన్యశలాకయా చక్షురుమిళితం ఏనం తస్మే శ్రీగరువే నమ. ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాన్యత్ కరోతి కిం. పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణం. మంగళమయ మంగళకరం వీతరాగ విజ్ఞాన నమో తాహి జాతే భయే హరిహంతాది మహాన్. ఓం నమః సిద్ధేభ్య, నమః సిద్ధేభ్య, నమః సిద్ధేభ్య. अरे भगवान द्वारा तक्षेत्र का भगवान अमंगलमय परमागम जी ऐसा जी शास्त्र आचार्य भगवान ने की है और इस छठवीं गाथा का स्वाध्याय हम और आप कर पा रहे हैं का श्रेय इस युग में किसी को हो तो पूज्य गुरुदेव श्री को है, जिनके कारण से आज भगवान आत्मा की बात अपन कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था कैसी है, भगवान आत्मा अपरिणामी है तो कैसा अपरिणामी है और परिणाम से परिणमता है तो किस तरह से परिणमते हैं और उस परिणमते हुए परिणाम के अंदर में क्या जानने में आता है और क्या जानने में नहीं आता है, ये सारा का सारा श्रेय जय गुरुदेव श्री के कारण है जिन्होंने भगवान आत्मा को हथेली में रखकर बताया। आज गुरुदेव श्री नहीं होते तो क्या होता, एक कल्पना के बाहर की चीज है, सोच ही नहीं सकते अपन कि क्या होता। तो जिस महापुरुष की वजह से भगवान आत्मा की बात भरत क्षेत्र में प्रसारित हुई प्रचलित हुई, उनका कारण भी यदि देखा जाए तो उनका कारण है भविकाल में होने वाले हजारों लाखों जीव का भावी भव्य होना, ये सभी जीवों का मोक्ष होने वाला हो और ऐसे गुरु तत्व न मिले ऐसा भी हो नहीं सकता। जब जीवों की योग्यता पक जाती है तो उपदेश देने वाले ऐसे महापुरुष भी स्वर्ग से क्या महाविदेश से क्या कहीं न कहीं से उतर आते हैं और तू भगवान आत्मा है ऐसी बात देश के रूप में आदेश के रूप में प्रचलित होती है। तो अपन इस छठी गाथा के संदर्भ में बात करें तो विषय
बहुत सरल है, क्योंकि इस गाथा के अंदर में वस्तु की व्यवस्था बदलाई गई, और इस वस्तु की व्यवस्था जिसे समझ में आती है, वैसे ही अनंत काल की जो भ्रांति है, अज्ञान है, वो भाग जाता है, वो खड़ा नहीं रहता। कैसे खड़ा भी कैसे रह सकता है कि जब कोई जीव या अंदर से कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो बस बाकी सारी वार्ता तो वहीं पे समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री महावीर से आकर भगवान आत्मा की बात इस पैमाने पे स्पष्ट की, इसके अंदर में बात समझने में किसी को परिश्रम नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए कि जब यदि कोई हमें हमारा स्वभाव बतलाता हो तो हम विभाव की बात क्यों करें, हमारी दृष्टि वहां पर क्यों जाए कि जो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरी व्यवस्था ही नहीं है, मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। अरे उपयोग का भी त्रिकाल स्वभाव ऐसा है कि जिसके अंदर में भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो वहां पर जानने में आ रहा है, ऐसी बात भी जीव क्यों करे, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसी बात को आचार्य देव प्रथम गाथा के अंदर में शुद्ध स्वभाव का जय घोष करते हुए, नई परिणमता हुआ भगवान आत्मा को बतलाते हुए, परिणाम की व्यवस्था जब बतलाते हैं तो कहते हैं कि भैया तेरे परिणाम की व्यवस्था भी ऐसे है कि जिसके अंदर में तू जानने में आ रहा पर जानने में नहीं आता। तो फिर से कल जो अपन की बात चली थी उसी को फिर आज दोहराते हैं, क्योंकि श्रद्धा का विषय जीव को स्पष्ट हो जाता है, परिणाम से रहित भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, ये बात भी स्पष्ट हो जाती है और इसको मक्कमता से मानता भी है कि भगवान आत्मा कैसा है तो पर्याय से सर्वथा रहित है। अब जिस समय वो पर्याय से सर्वथा रहित है उसी वक्त परिणाम कथनचित अभिन्न भी है, ये बात यदि ज्ञान के माध्यम से उसे समझ में आनी चाहिए, और यदि ये बात समझ में नहीं आती तो वस्तु की पूरी स्थिति समझ में नहीं आती, क्योंकि परिणाम परद्रव्य है। ये बात जब भेद रूप विकल्प होता है तब की चर्चा है, परिणाम परद्रव्य है, ये बात तो जब भेद में विकल्प जब चलता हो तब की चर्चा है, लेकिन अनुभूति के अंदर में परिणाम क्या है? तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, अनुभूति के अंदर में परिणाम अवस्तु है, भेद विकल्प के अंदर में परद्रव्य है, और अभेद निर्विकल्प के अंदर में परिणाम अवस्तु, क्योंकि परिणाम की अनुभूति नहीं होती। अब जिस परिणाम की अनुभूति नहीं होती, जो परिणाम अवस्तु है, वो परिणाम के अंदर में भी होता है तो क्या होता है? तो उस परिणाम के अंदर में स्व के अलावा और कुछ बसता है कि नहीं बसता है? अनुभूति की चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन पहले उस परिणाम के अंदर में होता क्या है और जो होता है वो क्या होता है? वो परिणाम जिसमें गयाकार, जिसमें लोकालोक की झलकन, प्रतिबिंबित पना, प्रतिभासित पना है, वो गयाकार हुए परिणाम के अंदर में प्रसिद्ध क्या होता है, जानने में क्या आता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, सुनो भैया, वो बात कहेंगे जो बात तूने आज तक जानी नहीं। क्यों नहीं जानी? क्योंकि ये जो अशुद्धता रूपी जो परिणमन है तेरा अनादिकाल से, उसका कारण तेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है, उसका कारण परद्रव्य का संयोग है। जीव के समीप में जो पांच इंद्रिया है, उस संयोग में अपनापन होने के वजह से अशुद्धपना का जन्म होता है, लेकिन जिस समय अशुद्धपना है उस समय ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में ये जानने में आते हैं कि नहीं आते? ज्ञान ज्ञाकार है कि नहीं है? क्या है ज्ञान के अंदर, ज्ञान की व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं कि तेवी रीते न्यायकार थवाथी ते भाव ने नायकपणु प्रसिद्ध छे। एक बात, फिर भी ज्ञेकृत अशुद्धता उसे नहीं है, कारण के न्यायकार अवस्था में नायकपणे जे जनायो। दूसरी बात,
તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ જ્ઞાયક જ છે. તીસરી બાબત, પહેલે મેં જ્ઞાયક પણ, બીજામાં જ્ઞાયક પણે અને ત્રીજામાં જ્ઞાયક. તીન પંક્તિ કે અંદર મેં તીન બાબત, જ્ઞાયક પણ, જ્ઞાયક પણે અને જ્ઞાયક. અબ ઇસકે અંદર મેં ક્યા અંતર હૈ? એ તીનો શબ્દ કે અંદર મેં જ્ઞાયક પણ, જ્ઞાયક પણે અને જ્ઞાયક જ છે, એ તીનો શબ્દો કે બીચ મેં ક્યા અંતર? તો કહેતે હૈ કે જે જ્ઞાયક પણ જે છે એ તો એસી વ્યવસ્થા હૈ. ઇસ વ્યવસ્થા કે અંદર મેં તું જિસ વક્ત એસા જાનતા હૈ કે મેં પર કો જાનતા હું, ઉસ વક્ત ઉસ ગેય કી સાપેક્ષતા સે જો ગેયાકાર હુએ પરિણામ, ઉસ પરિણામ કો, ઉસ ભાવ કો જ્ઞાયક પણુ પ્રસિદ્ધ છે. યાને કી ગેય પના પ્રસિદ્ધ નહીં, એક બાત. દૂસરા મતલબ હોતા ગેય જાનને મેં નહીં આતે, દો બાત. તીસરી બાત, તો ક્યા હોતા યદિ પર જાનને મેં નહીં આતા, પર જણાતું નથી તો શું થાય છે? તો કે છે કે જ્ઞાયક પણ, જાણનાર પણ, જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાયક પણ જણાય છે એટલે કે પરિણામ જે છે એની અંદરમાં જ્ઞાયક પણ છે. એ પરિણામની અંદરમાં જ્ઞેય નથી, એ પરિણામની અંદરમાં જ્ઞેય પણ નથી, એ પરિણામની અંદરમાં જ્ઞાન પણ નથી, એ પરિણામની અંદરમાં જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક પણ નથી, એની અંદરમાં જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે. જો પરિણામ ગેયાકાર જગત સારા માનતા હૈ, ઓ પરિણામ ગેયાકાર હુએ કે નહીં, સિદ્ધિ એ કહેતે હૈ, સિદ્ધિ એ કરતે હૈ કે જિસ સમય જગત એસા માનતા હૈ કે મેં પર કો નહીં જાનતા, લેકિન પર કો નહીં જાનતા, લેકિન જૈસે ગેય હૈ એસા ગેયો કા આકાર જ્ઞાન મેં સ્વયં હુઆ, અપની શક્તિ સે હુઆ, અપને વૈભવ સે હુઆ, અપને સામર્થ્ય સે હુઆ, પર કી અપેક્ષા બિના. તો આચાર્ય ભગવાન એ કહેતે હૈ કે પર કી અપેક્ષા બિના નિરપેક્ષપણે જ્ઞાન કા પરિણમન ગેયાકાર રૂપ હુઆ, તો ઉસકે અંદર મેં ગેયાકાર હુઆ કે ઓર કુછ હુઆ? નિરપેક્ષપણે ગેયાકાર રૂપ પરિણમન હુઆ ને ઓર કુછ હુઆ? તો કે છે જ્ઞાયાકાર થવાથી તે ભાવને, જો ભાવ ગેયાકાર હુએ હૈ ઉસ ભાવ કો જ્ઞાયક પના પ્રસિદ્ધ હૈ, યાને ઉસ ભાવ કો જ્ઞેય કી પ્રસિદ્ધિ નહીં હૈ, યાને ઉસ ભાવ કો, યાને કે ઉસ પરિણામ કો, યાને કે ઉસ અવસ્થા કો, યાને કે ઉસ પરિણમતે હુએ પરિણામ કો, ઉસ સમય ગેય જાનને મેં નહીં આતે, ઓ પરિણામ જ્ઞાનાકાર રૂપ નહીં હુએ, ગેયાકાર રૂપ નહીં, લેકિન જ્ઞાનાકાર રૂપ તો હૈ. તો કહેતે તો એસા કહેતે જ્ઞાયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાનાકાર પણ પ્રસિદ્ધ છે, એસા લિખતે આચાર્ય હુઆ. ઠીક હૈ, પરિણામ ગેયાકાર નહીં હૈ, જ્ઞાનાકાર તો હૈ. ફિર આચાર્ય ભગવાન કે શબ્દ પ્રયોગ એસા હોતા કે જ્ઞાયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાનાકાર પણ પ્રસિદ્ધ છે, લેકિન આચાર્ય ભગવાન ને એસા નહીં લિખા. ક્યો નહીં લિખા? ક્યોંકિ પરિણામ ઉસ રૂપ પરિણામ તો નહીં આયે, ઓ પરિણામ અપને આકાર, અપને આકાર મને જ્ઞાનાકાર નહીં, અપને આકાર મને જ્ઞાયક પણ. જ્ઞાન એ ભેદ કી ચર્ચા હૈ, જ્ઞાન મે જ્ઞાયક એ ભી ભેદ કી ચર્ચા હૈ, જ્ઞાયક પણ વો અપના સ્વભાવ હૈ. એક તરફ સે હમ પરિણામ કો દ્રવ્ય સે અભિન્ન કહે, કથનચિત અભિન્ન, અભિન્ન કહે, પર અભિન્ન કા મતલબ ક્યા હોતા? કે ભિન્ન નહીં હૈ. તો જ્ઞાન ઓર જ્ઞાયક એ ભિન્નપના હુઆ ને અભિન્નપના હુઆ, જ્ઞાન ઓર જ્ઞેય એ તો બાત હી છોડ દો, લેકિન જ્ઞાન ઓર જ્ઞાયક એ ભેદ હુઆ કે નહીં? ઓર અભિન્ન કા મતલબ હૈ જ્ઞાન મે જ્ઞાયક નહીં, જ્ઞાન જ્ઞાયક હૈ, જ્ઞાન મે જ્ઞાયક નહીં હૈ. જબ તક જ્ઞાન મે જ્ઞાયક સમજ મેં આતા હૈ તબ તક જ્ઞાયક સમજ મેં નહીં આતા, જ્ઞાન મે જ્ઞાયક નહીં હૈ, જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે. ઉસ પરિણામ કો તે ભાવને, દેખી જ્ઞાયાકાર થવાથી તે ભાવને, ઉસ પરિણામ કો, જો પરિણામ ગેય સાપેક્ષતા સે ગેયાકાર કહે ગયે, ઉસ પરિણામ કો, યાને કે ગેયાકાર નહીં હૈ, ઓ પરિણામ કેસે હૈ, ઓ પરિણામ ક્યા કર રહા હૈ,
क्योंकि उस परिणाम को ऐसा भी नहीं कहा, उस परिणाम ने नायक को प्रसिद्ध किया ऐसा भी नहीं कहा। आस्ते आस्ते थोड़ा चीज को समझे। ज्ञाकार परिणाम ने ज्ञायक पन्ना को प्रसिद्ध किया ऐसा नहीं कहा। ज्ञेयाकार खवा थी ते भाव ने मैंने उस पर्याय भाव को, उस परिणमते हुए भाव को क्या प्रसिद्ध है, ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। उस परिणाम को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, उस परिणाम को ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं है, उस परिणाम को ज्ञान परिणाम प्रसिद्ध नहीं है, उस परिणाम में ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं है। न्यायकार खवाती ते भाव मा ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है ऐसा भी नहीं। उस भाव को नहीं, उस भाव में नहीं, मैंने ज्ञान में ज्ञायक प्रण प्रसिद्ध ऐसा नहीं, उस भाव को ज्ञायक पना प्रसिद्ध है। मैंने वो भाव ज्ञायक पने है, वो भाव भाव नहीं है, भाव स्वभाव है, ज्ञायक पने है वो भाव। ठीक है, उदाहरण देने से बात ज्यादा स्पष्ट होगी। यदि स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ पानी, मलिन पानी के अंदर में तो मलिनता का परसेंटेज पता चलता, लेकिन स्वच्छ पानी हो और स्वच्छ पानी को लेबोरेटरी के अंदर में भेजा जाए, इसमें जो पानी का स्वभाव जो स्वच्छ है, निर्मल है, उसके परसेंटेज कितने, और स्वच्छ रूप जो परिणमन हुआ उसका परसेंटेज कितने, बताइए। दुनिया की ऐसी कोई व्यवस्था जो बता देगी ये पानी का स्वच्छ पने रूप परिणमन का परसेंटेज इतना? अरे जो स्वभाव रूप परिणाम है उसमें परसेंटेज हो ही नहीं सकता, वो तो उनका स्वभाव है। ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, उनका स्वभाव है, स्वभाव के अंदर में भेद नहीं हो सकता। स्वच्छ पना अलग और पानी का स्वच्छ स्वभाव अलग, स्वच्छ पना अलग और पानी का स्वच्छ स्वभाव अलग ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान अलग और ज्ञायक पना अलग ऐसा नहीं हो सकता। यदि स्वच्छ और स्वच्छ स्वभाव ये दोनों के बीच में भिन्नता होती तो आचार्य भगवान ऐसे कहते कि उस भाव में ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, भाव में ज्ञान में ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस भाव को ज्ञायक भाव में, ज्ञायक भाव मां नहीं, मां मने होगी परिणाम के अंदर में द्रव्य, और उस भाव को मैंने वो भाव ज्ञायक बने हैं, ने ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है। ज्ञाकार नहीं, नानाकार नहीं, ज्ञान में ज्ञायक नहीं, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है। तो सभी जीवों के अंतरंग की स्थिति को देखा जाए, प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाले उपयोग को देखा जाए, अभी गुरुदेव का तो वही विषय चल रहा है, ये जो लक्षण है वो लक्ष्य का लक्षण है, वो लक्ष्य से आधारित है, लक्ष्य से अवलंबित है, लक्ष्य का अवलंबन है। लक्षण बाहर से नहीं आता, बाहर को ग्रहण नहीं करता, राग द्वेष से उसको कोई लेना देना नहीं। अब राग द्वेष को तो चुड़ैल कह दिया, क्या कहे, मैंने यदि प्रहार भी करे तो कितने आकरे प्रहार करे। अब तो ये अपनी समझदारी का विषय है कि कितना कहे ज्ञानी पुरुष। अब अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यवस्था को समझे कि ज्ञाकार खवा की ते भाव ने वो परिणाम, ज्ञाकार खवा की मैंने वो परिणाम ज्ञाकार हुए ही नहीं, कहा गया तो गया, ज्ञाकार खवा की नायक पणु प्रसिद्ध है, इनो मतलब ये था कि ज्ञाकार थया जिनकी, ज्ञाकार खवासी मैंने ये तो कहने वाली बात, ये कही गई बात, ये जीव को जो समझ में आती हो बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञाकार हुए परिणाम जो ज्ञायक पना प्रसिद्ध है। कितनी प्रसन्नता का विषय नहीं, कितनी प्रसन्नता का विषय है कि आज तक किसी भी परिणाम में ज्ञायक पना छोड़कर और कोई रूप हुए ही नहीं,
और इस बात में इस बात की सिद्धि है कि राग निश्चय से पुद्गल के परिणाम है। यदि अपन थोड़ा बाहर चले तो एक बात की इसके अंदर में सिद्धि होती है कि राग और निश्चय से पुद्गल के परिणाम है, पर अंतरंग में चले तो ज्ञान गया का हुआ ही नहीं। नान ज्ञायक पणे प्रसिद्ध है, ज्ञान में नायक पणु प्रसिद्ध है, ज्ञान मान नायक पणु प्रसिद्ध नहीं, ज्ञान ने नायक पणु प्रसिद्ध है। बिल्कुल भेद नहीं रखा, उपयोग ज्ञायक का है, जीव का लक्षण है। अब जीव का लक्षण है तो जीव है, लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होता है, लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होता, वो लक्ष्य का लक्षण होता है, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, उपयोग में उपयोगवान बसता है, उपयोग में अनुपयोगी वस्तु नहीं बसती, ज्ञान में ज्ञाकार नहीं बसते, ज्ञान में ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, मनो ज्ञान ज्ञायक है, उस ज्ञान में नायक पणुच है, नायक पणुच है कि ज्ञान ज्ञान पड़े नहीं, ज्ञान नहीं पने तो नया का रूप तो नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञान पने भी नहीं है, ये ज्ञान में नायक पणु प्रसिद्ध है, स्वयं प्रसिद्ध है, भगवान आत्मा प्रसिद्ध है, ज्ञान में भाव में नायक पणु प्रसिद्ध है, सिद्धि नहीं प्रसिद्धि है, જાણવા માં આવી ગયો છે, અનુભવમાં આવી ગયો છે, જ્ઞાન ને નાયક પણ અનુભવમાં આવી ગયું છે, જ્ઞાન ને જ્ઞાન પણ અનુભવમાં નથી આવતું, પર્યાય ને પર્યાય પણ અનુભવમાં નથી આવતું, જ્ઞાન ને જ્ઞાન પણ અનુભવમાં નથી આવતું, એટલે એ પર્યાય ને પર્યાય પણ અનુભવમાં નથી આવતું, કે પર્યાય ને દ્રવ્ય પણ અનુભવમાં આવે છે, જીવ પણ અનુભવમાં આવે છે, નાયક પણ અનુભવમાં આવે છે, એ ભાવને નાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, પ્રસિદ્ધ છે, જ્ઞાન નાયક પણ છે, જ્ઞાન જ્ઞાન પણ નથી, પર્યાય પર્યાય પણ નથી, પર્યાય દ્રવ્ય પણ છે, એનો મતલબ ક્યાં કે પર્યાય દ્રવ્ય પણ છે, છોડ દો પર્યાય દ્રવ્ય કી ચર્ચા ભૈયા, નહીં હે પર્યાય દ્રવ્ય એસા કુછ ભી અંદર મેં, તેરા પાગલપન હૈ કે તું દ્રવ્ય પર્યાય કી ચર્ચા કરતા રહેતા હૈ, વો તો एक वस्तु के दो स्वभाव की जब चर्चा चली तब द्रव्य पर्याय की बात कह दी, उसलिए कह दी कि तू अनादि अनंत वैसा का वैसा पड़ा है, तेरे में कुछ भी नहीं हुआ है, तेरा वस्तु अशुद्ध पड़ी है, अशुद्धता नाम की कोई भी वस्तु ने तेरे स्वभाव में आज तक प्रवेश नहीं किया, उसलिए उनका द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों बतला दिया, लेकिन ये चर्चा अब बंद हो, नायक पणु प्रसिद्ध है, प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाले उपयोग में ज्ञायक पना प्रसिद्ध। अब ज्ञायक पना प्रसिद्ध है ऐसा तू नहीं मानता, उसका नाम भ्रांति है, उसका नाम अज्ञान है, उसका नाम संसार है, इससे आगे संसार नहीं है, छे ज्ञायक पण प्रसिद्ध, अने तू माने छे के मने लोका लोक जणाय छे, तारी भ्रांति छे, ई संसार छे, ई भ्रम छे, परने जाणवू પરને હું જાણું છું, કહી શકું છું, તારી ભ્રાંતિ છે ભાઈ, બોલે અરે ભગવાન તને ઉભો રાખે છે, એક તને જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, પ્રત્યેક જીવને પ્રત્યેક સમયે ઉત્પન્ન થતા ઉપયોગમાં જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, પણ જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, વાત યહાં તક તો સ્વીકૃત હો ગઈ કે સભી કો જ્ઞાયક પના પ્રસિદ્ધ હૈ, જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, तो अभी उसका आश्चर्य थे, उसका भी कारण देते हैं कि ज्ञायक पना क्यों प्रसिद्ध है, तो कैसे कारण के ज्ञाता अवस्था में ज्ञायक पणे जे जनायो, बात आगे चली, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, तो प्रसिद्ध छे एटले शुं, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे, साहेब ए वात अमे स्वीकारी लीधी कि भाई पर प्रसिद्ध नथी, पर जणातुं नथी, જાણનારો જણાય છે, ભગવાન આત્મા જણાય છે, જ્ઞાયક જણાય છે, જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે સુખમે, શા માટે જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, અને એ વાત શા માટે કહે છે, કેવી રીતે કહે છે એ વસ્તુ જ્ઞાયક પણ પ્રસિદ્ધ છે, તો તમે કારણ આપ્યું છે ઉભો રહે, કારણ કે જ્ઞાયકાર અવસ્થામાં હવે જ્ઞાયકાર વાળી વાત નહીં છોડી, ક્યોકિ તેરા પક્ષ હે ને, પક્ષ તો છોડાના,
तो पक्ष छूटे कैसे? क्योंकि स्वभाव के ऊपर आ गया तो पक्ष छूट गया। तो स्वभाव पे आवे कैसे? क्योंकि खाली नायक को प्रसिद्ध छे एवं छे के नाथी आगळ पण काही छे। तो किसी न्यायकार अवस्था में नायक पणे, अब ऊपर में था नायक पण और अभी यहां पे हो गया ज्ञायक पणे। अभी दोनों में अंतर क्या है? नायक पणु और ज्ञायक पणे, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? जब नायक पणु थू, जब ज्ञायक पणु, इसकी जब ज्ञायक पणे की जब बात थी तब उसका मतलब यह था कि पर्याय में नायक पणु प्रसिद्ध है, पर्याय में नहीं प्रसिद्ध नहीं, नायक पणु प्रसिद्ध है। ज्ञायक पणे एटले ज्ञायक जणाय, ज्ञायक पणे जणाय एटले ज्ञायक जणाय। न्यायकार अवस्था में ज्ञायक पणे पणु मिट गयु, पना पना जो था ना पना मिट गया, ज्ञायक पणे एटले ज्ञायक जणाय, नायक ज्ञायक पणे जणाय। देखिए फिर से पढ़िए, कारण के न्यायकार अवस्था में ज्ञायक पणे इतना नहीं दिखा, न्यायकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणाय, ये जे माने है ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक पणे क्या जणाय, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणाय, ज्ञायक पणे न जणाय, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणाय। वो भेद निकल गया है, पणा पना का जो भेद था, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है। अब ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, सुकाम ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, कारण के न्यायकार अवस्था में ज्ञायक पणे ज्ञायक जणाय, जब ज्ञायक जणाय तो पणु निकली गयु। जब तक ज्ञायक पना है तब तक भेद है, जब तक ज्ञायक पना है तब तक परिणाम में ज्ञायक प्रसिद्ध है, ऐसा भेद रहता है। लेकिन ज्ञायक पणे ज्ञायक जो मतलब कि ज्ञायक पणु निकली गयु, ज्ञायक जणाय, शू जणायो? ज्ञायक जणाय, ज्ञायक पणे नहीं जणायो, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक जणाय छे। अब क्या हुआ? ज्ञायकार गया, ज्ञानाकार गया, ज्ञान में ज्ञायक गया, ज्ञान में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध छे वो भी गया, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो एम नहीं, ज्ञायक पणे जे जणायो, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो। तो ज्ञायक पणु हटी गयो, ज्ञायक जणायो ई रही गयो, भेद निकल गया परिणाम का। परिणाम में ज्ञायक जणानो एम नहीं, सबने अनुभव में आवी गयो छे एम नहीं, ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, ए अनुभव के पहले की स्थिति है। ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक पणु नहीं। तो पने की बात तो तब थी जब ज्ञायकार अवस्था की बात थी, ज्ञायकार से ज्ञानाकार पे लाने की जब बात थी तब भी वो पने की बात थी, ज्ञायक पणु तब, क्योंकि जो पना होता है ना वो पर्याय में होता है। ज्ञायक पणु, ज्ञायक पणु माना ज्ञायक नहीं, ज्ञायक पणु। तो ज्ञान में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, ज्ञान में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है। तो ज्ञान में ज्ञायक पना है, ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक पना है। तो मैंने उसका दूसरा अर्थ होता है ज्ञान में ज्ञायक ही है। मैंने जब तक पणु की चर्चा, ज्ञायक पने की चर्चा चलती है तब तक अभी भी परिणाम में द्रव्य अनुभव में आ रहा है, ऐसा भेद है। लेकिन ज्ञायक पने ज्ञायक जणायो, जब ज्ञायक जणायो ऊपर आयो तो पणु निकली गयु। अब बात यह रहती है कि ज्ञायक जणायो के ज्ञायक छू, जब तक ज्ञायक जणायो त्या सुधी क्या जणाय छे? परिणाम में जणाय छे। तो ज्ञायक जणायो तो जणायो ते हूं, ज्यां जणायो ते हूं के ज्ञायक ते हूं? मैं ज्ञायक, तो ज्ञायक जणायो वहां पे वो रुकता है। और वहां पर रुकने से क्या होता है? वहां पर रुकने से क्या होता है? श्रद्धा का बल शुरू, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक जणाय। प्रत्येक जीव ने ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक जणाय, जणाय जणाय छे, नहीं जणाय, जणाय छे ई व्यवस्था, अने जणाय ई उपयोग में आयो। फिर से अबाल गोपाल सबने सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आवी रह्यो छे, हवे आवी रह्यो छे ई व्यवस्था,
पर अव्यय, तो अव्यय का मतलब है उपयोग उसके ऊपर चला गया, उपयोग स्वभाव सम्मुख हो गया, उपयोग गया उपयोगवान के ऊपर में, जड़ाए हुए, जड़ाए हुए, अभी अनुभूति नहीं हुई, जड़ाए हुए अनुमान ज्ञान में, लेकिन अनुमान ज्ञान के अंदर में पर्याय और द्रव्य ऐसा भेद समाप्ति की ओर होता है, ज्ञायक पना मिट जाता है, ज्ञायक जड़ायो, ज्ञायक जड़ायो, ज्ञायक जड़ायो, जानन हार जड़ाए छे, जानन हार जड़ाए छे, जाननारो जड़ाए छे, अब जाननारो जड़ाए छे क्या पण नहीं, जाननारो जड़ायो क्या पण नहीं, हूँ जानना ते स्वरूप प्रकाशन ने अवस्था में पण ज्ञायक ज छे, योग और उपयोगवान, ज्ञान और ज्ञायक, जणायो अने जाणनार, ए बधा विकल्पो समाप्त थई गया अने स्वरूप प्रकाशननी अवस्था हार छे, हूँ जाणनार, हूँ जाणनार, हूँ ज्ञायक, हूँ ज्ञायक, हूँ ज्ञायक, हूँ ज्ञायक, डूब जाता उसका नाम स्वरूप प्रकाश, तारो जणायो है ना, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो, एक ज्ञायक जणायो ये कौन सी स्थिति है, ये अनुभव के पहले की स्थिति है, अनुभव के पहले का समय है कि जानना तो जनायो, ज्ञायक जनायो, अब ज्ञायक जनायो ते मैंने जो ज्ञायक जानने में आया वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, जो ज्ञायक जानने में आया वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, देखिए शब्द स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में पण है, पण शब्द जो अनुभव के पहले जो ज्ञायक जानने में आया वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है, नायक नायक स्वरूप प्रकाशन की अवस्था और स्वरूप प्रकाशन की पहले की अवस्था एट्ले के जाननारो जणायो ते अवस्था एट्ले के नायक जणायो ते अवस्था में कोई अंतर नहीं, ज्ञाकार अवस्था नो ज्ञायक के अनुभूति में आवतो ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्ञायक तो तेज छे, कोई अंतर नहीं उसके बीच में, मने अज्ञान की अवस्था हो या ज्ञान की अवस्था हो, जाननारो तो जाननारो जाने छे, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में पण ज्ञायक ज छे, कैसे वो दृष्टांत से और स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये बात सिद्धांतिक रूप से, यहाँ सिद्धांत पहले बतलाया, दृष्टांत बाद में दिया, सब जगह दृष्टांत पहले कहते हैं और सिद्धांत बाद में समझाते हैं, यहाँ सिद्धांत पहले बतलाया क्योंकि इसकी महिमा, इसकी गरिमा है, व्यवस्था की गरिमा है, वस्तु की गरिमा है कि प्रतिपल प्रत्येक जीव को जानना तो जाना इसको, जगत सारा ये कहता था कि लालचंद भाई ने अपने घर की बात की, अरे प्रभु ये अनादि अनंत वस्तु की व्यवस्था है, आज जब गुरुदेव के आधार की वो समय इतनी कैसेट नहीं, कैसेट सुनने के नहीं मिलती, अब जब इतनी सारी कैसेट, अब कैसेट भी मिल गई तो जब मूल बात आती थी तब उपयोग आया गया हो जाता था, तो भाई श्री को वो सब कैसेट के सेट बना बना के सबको भेज देने पड़ते थे कि भैया ये ले जाके सुन के बात को मिलाओ, अरे भैया गुरुदेव ने बात सैकड़ों बार नहीं हजारों बार कही, और गुरुदेव ने नहीं आचार्य भगवान ने कही, ये प्रथम गाथा में कही बात को, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, जैसा अंदर में जाकर जैसा दिखता है ऐसा कहते हैं, अब वो नहीं देखते कि शास्त्र में कहां लिखा है, अरे जैसा अंदर में दिखता है वैसा शास्त्र में होता ही, तो शास्त्र को देखकर आत्मा को मिलान करता है, ऐसा नहीं, अंदर में जाकर जो अनुभव में आता वो कह देते, अब जगत मानो तो वैसा है ना मानो तो वैसा है, क्या कहा, बहुत सुंदर बात है, बहुत मार्मिक बात है, तीन पंक्ति में ज्ञान का वैभव आचार्य भगवान ने एक एक शब्द के अंदर में जिस तरह इसकी गुथड़ी की है, अलौकिक है, अद्भुत है, ऐसा लगता है कि ताकत तो अमृतचंद्र आचार्य भगवान की थी कि जिन्होंने भगवान आत्मा को इस तरह से हथेली में बदला, भवती के भाव में नायक पणों प्रसिद्ध है, इसके हम तो यह समझते थे हमने पर जड़ाई, आचार्यों के शब्दों में बात नहीं निकलती, तो ज्ञानियों के भावों में बात कैसे निकले,
ज्ञाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे। कारण के ज्ञाकार अवस्थामां ज्ञायकपणे ज्ञायक जणाय ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे। ज्ञायकपणे ज्ञायकपणे जणायो छे एम नथी, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो। अंतर है दोनों के बीच में, ज्ञायकपणे जणायो छे एम नथी, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो। मैंने जो ज्ञायक पन्ना था उसको निकाल दिया, भेद को निकाल दिया, पर्याय में द्रव्य जानने में आया ऐसा निकाल दिया। ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो। ओहो आर्य ज्ञायक, आर्य ज्ञायक, आर्य ज्ञायक। अनुमान ज्ञान में ऐसा होता है जैसा अनुभव ज्ञान के पश्चात अनुभवी पुरुष विकल्प में आवे, और विकल्प में आकर जैसा भगवान आत्मा को जानते हैं, जैसा बतलाते हैं, ऐसा अनुभव के पहले आत्मार्थी को ऐसा भगवान आत्मा जानने में आता। कैसा जानने में आता? कि ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो, जणायो जणाय छे नहीं, जणाय छे ये व्यवस्था, जणायो ये उपयोग में यो ने जणाय। हजी अनुभूति नहीं थी, अनुभूति के पहले वो भाषित हो जाता भगवान आत्मा। जैसा भगवान आत्मा ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान में आ जाता, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय, ज्ञायक जणाय। ते स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में पण ज्ञायक ज छे। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था का ज्ञायक और ज्ञाकार अवस्था में जानने में आने वाला ज्ञायक ज्ञायक ही, कोई अंतर नहीं। स्वरूप प्रकाशक स्वभाव का कोई निषेध करे से बाहर, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक जणायो इसका निषेध करे वो भी जिंदर्शन से बाहर। ठीक व्यवस्था है, ठीक प्रयोजन से किस विधि से ज्ञायक के ऊपर में दृष्टि ले जाने का जो उपाय जो है, मार्ग जो है, उस मार्ग के अंदर में ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो ये बात यदि उसको समझ में नहीं आती है तो आचार्य भगवान इसको दृष्टांत देकर स्पष्ट करते हैं। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में ज्ञायक केवल दीवानी जेम, दीवानी जेम माने दीपक की तरह, कैसा कर्ता कर्म नो अनन्य पणु होवा थी, पोते जाननारो माटे पोते करता अने पोताने जानियो माटे पोते ज करता, जानने वाला भी स्वयं और जानने में आया भी स्वयं, जानने वाली पर्याय और जानने में आया द्रव्य ऐसा नहीं। देखिए दीवानी जन कर्ता कर्म कमियों अनन्य हुआ थी नायक अच्छा, यहाँ पे भी दृष्टांत की स्पष्टता नहीं की। दीवानी जन कर्ता कर्म अनन्य पण हुआ थी नायक अच्छा, तो दृष्टांत की स्पष्टता तो काउंस करके पंडित जी ने किया। कर्ता कर्म अनन्य पण, स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म, आत्मा करता, आत्मा जानने वाला और जानने में आवे भी आत्मा, तो जानने वाला आत्मा यानी स्वयं करता और जानने में आवे भी आत्मा यानी स्वयं कर्म, एवं अनन्यपणु अन्यपणु एवं एक रूपपणु ऐसा अन्यपना नहीं, अन्यपना अनेरूपणु नहीं, जुदापणु नहीं, एवं एक रूपपणु होवा ज्ञायक अच्छे पोते जानना, पोते जानना पर्याय जाने आत्मा ने एम नहीं, पोते जाननारो माटे पोते करता, पोते जाननारो माटे पर्याय करता एम नहीं, पोते जाननारो माटे पोते करता, पोते जाननारो स्वयं जानने वाला उसलिए स्वयं करता, और पोता ने जानियो अपने को जाना उसलिए स्वयं ही करता। यह है स्वरूप प्रकाशन, जानने वाला भी स्वयं और जानने में आवे भी स्वयं। पर्याय और द्रव्य की चर्चा ही नहीं, पने की चर्चा ही जहां ज्ञायक जणाय किस बात पे अनुभूति के पहले तो द्रव्य पर्याय की बात समाप्त होती है। पोते जाननारो माटे पोते करता अने पोते जाणियो माटे पोते ज करता, जेम दीपक घटपटादी ने प्रकाशित करवानी अवस्था में दीपक छे अने पोताने पोतानी ज्योति रूप शिखाने प्रकाशवानी अवस्थामां पण दीपक ज छे। जैसे दीपक घट और पट, घट मने घड़ा और पट मने वस्त्र,
उसको प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, वो घटपट को प्रकाशित नहीं करता। जिस समय घटपट प्रकाशित होते हैं उस समय दीपक दीपक ही है और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। जब घटपट प्रकाशित होते हैं तब दीपक दीपक है और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करे तब भी दीपक दीपक ही है। अन्य काई नहीं तेम विनायक नु समझू, ज्ञायक का भी वैसा ही समझना। जब लोकालोक प्रकाशित होता है तब ज्ञायक ज्ञायक ही है और जब अपने को प्रसिद्ध करता है, अपने को अनुभूति में आता है, अपनी ज्ञान रूप शिखा को प्रकाशित करता है तब ज्ञायक ज्ञायक ही है। बस ज्ञायक ज्ञायक ही है, ज्ञायक बने की बात मत करना, ज्ञान में ज्ञायक की बात मत करना, ज्ञान को ज्ञायक बना इसकी बात मत करना, ज्ञान में ज्ञानाकार की बात मत करना, ज्ञान में ज्ञाकार की बात मत करना, ज्ञान में ज्ञेयों की बात मत करना। बस ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है। वहां से मैंने इस वस्तु व्यवस्था को समझकर जो तुझे करना है वो क्या करना है, ज्ञायक ही है ऐसा समझकर, ऐसा जानकर मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करना, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा ज्ञान करना, ये मोक्ष मार्ग का मूल है, ये मोक्ष मार्ग की नींव है। इस नींव पे वही चल पाते हैं जो ज्ञान का ऐसा स्वभाव जानकर द्रव्य पर्याय के विषय में मध्यस्थ हो जाते हैं। वो ज्ञायक पणे नायक जन है, जब ज्ञायक ऊपर आया, जहाँ ज्ञायक तो ऊपर आया तो द्रव्य पर्याय के विकल्प समाप्त हो गए। जनायो जनायो पणे बस नायक छे, ज्ञायक हूँ तो ज्ञान मध्यस्थ हो, ज्ञायक हूँ तो फिर श्रद्धा का बल, श्रद्धा का जोर पूरा दबाव देता स्वभाव के ऊपर में, त्रिकाली के ऊपर में, उस दबाव के ऊपर में उस सीधा स्वभाव के अंदर में घुस जाता, डट जाता है, जम जाता है, तलाटी लगाकर बैठ जाता है। इसलिए सोगानी जी साहब कहता है कि त्रिकाली में तलाटी लगाने न देसी जाए, जब तक त्रिकाली में तलाटी लगाता बस नायक मात्र वस्तु, नायक मात्र वस्तु। देखिए आचार्य भगवान ने इस बात को सिद्ध किया कि तू जैसा मानता है वैसा नहीं, स्वभाव जैसा है वैसा तू जानता नहीं, और स्वभाव जैसा है वैसा जाने, तो इसके अंदर में ज्ञायक की प्रसिद्ध है, ज्ञायक पने ज्ञायक प्रसिद्ध है, ज्ञायक पने ज्ञायक जनाय से, नायक जनाय से, नायक जनाय नायक छू बात से जनाय से एक बात, जनायो दूसरी बात, हूँ पूरा प्रकरण समाप्त, चार का प्रकरण समाप्त, नाय से जनायो अने छू खर पर जनातु नहीं, नारो जनाय से हूँ जानना छू पर जनातु नहीं, तो पहली पंक्ति सिद्ध हो गई, जाननारो जनाय से तो अंतरंग की व्यवस्था में आ गया, जब अंतरंग की व्यवस्था में आ गया तो क्या आएगा, जाननारो जनाय उसके ऊपर आ गया, जिसकी अंतरंग की व्यवस्था में जीव आया तो जाननारो जनाय क्या आवश्यक, जहाँ जनाय क्या आवश्यक त्या शू हूँ जानना छू, हमें जानन हर हूँ जानना छू, हूँ की बात आई तो बात हो गई श्रद्धा की। अब ज्ञान जहाँ पे जानना रो जनाय से तो जानना रो जना हो तो वहाँ पे ज्ञान उपयोग उपयोगवान में सामने आकर खड़ा होता है। अब श्रद्धा यहाँ से बल करता है तो क्या होता है, यहाँ ज्ञान और दर्शन की दोनों की जो परम मैत्री है तो दोनों एक साथ में चलने लगते है और श्रद्धा एक जोर मारता है, एक दबाव डालता है कि दोनों परम मैत्री जो है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाती है। इसका नाम स्वरूप प्रकाशन है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, यही तात्पर्य छठी का होगा, यही पूर्वक नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप है अपरिणामी परम परिणामी भाव वैसा जो ध्येय है वो मैं हूँ, तो उस पूर्वक जो ध्येय का उसी समय उस ध्येय पूर्वक ध्येय मैंने ध्येय और ध्येय दोनों एक समय में होते हैं, ध्येय पहले और ध्येय बाद में ऐसा नहीं होता, ध्येय पूर्वक ध्येय मैंने समय एक
पर्याय से रहित और पर्याय से सहित, ध्येय का श्रद्धान और ध्येय का ज्ञान दोनों एक साथ में हो जाता, ध्येय ध्येय का भेद मिट जाता है और ज्ञायक का अनुभव हो जाता है। ऐसी अनुभूति गुरुदेव के सभी संतानों को वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए आचार्य भगवान के निष्कारण अकारण समुद्र जैसे गंभीर करुणा को समझते हुए, इस मार्ग का हृदय को समझते हुए, इस गाथा का हार्द को समझते हुए, सबको अपने स्वभाव के सदा सदा के लिए डूब जाए, लीन हो जाए, लवलीन हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वरूप अविनाशी।